जालौन की बड़ी खबर, कदौरा क्षेत्र पुलिस का कारनामा मीडिया के कैमरे में हुआ कैद। सूबे की योगी सरकार में कदौरा क्षेत्र पुलिस का कारनामा सामने आया, जिससे चलते कदौरा पुलिस सरेआम अवैध वसूली करते हुए नजर आए। इसी के चलते कदौरा क्षेत्र के कुछ पुलिस कर्मियों की वजह से पुलिस प्रशासन को बदनामी का सामना करना पड़ा, जिससे पुलिस का नाम खराब होता है। वहीं अवैध वसूली की वजह से पुलिस महकमा बदनाम हुआ। कदौरा क्षेत्र में खुलेआम बालू ट्रकों से अवैध वसूली की जा रही है। आपको बता दें कि सूबे की योगी सरकार में कदौरा क्षेत्र पुलिस का कारनामा आए दिन बढ़ता जा रहा है। उन्हें अपने आला अधिकारियों का नहीं है खौफ, अब देखना यह है कि सूबे की योगी सरकार में कितनी सख्त कार्रवाई होती है या इसी तरह यह अवैध वसूली का धंधा यूं ही चलता रहेगा। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए समीर मंसूरी की रिपोर्ट, जालौन। कोंडा जनपद से सटे जिले अयोध्या के बीकापुर क्षेत्र में संयुक्त व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकरण तिवारी जी का संयुक्त व्यापार मंडल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमाकांत तिवारी की अगुवाई में अयोध्या जिले में संयुक्त व्यापार मंडल के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने फूलमाला पहनाकर राजकरण का भव्य स्वागत किया। वहीं राजकरण तिवारी बीकापुर स्थित मंदिर में ठहरकर संयुक्त व्यापार मंडल के पदाधिकारियों से मुलाकात की। उसके बाद अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन करने हेतु निकल गए। रास्ते में व्यापार मंडल के सदस्यों की गाड़ियों का काफिला उनके साथ था। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष संयुक्त व्यापार मंडल के राजकरण तिवारी का जगह जगह व्यापार मंडल के पदाधिकारी एवं सदस्यगण उनका बेसब्री से इंतजार करते दिखे और राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत सत्कार किया। साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकरण तिवारी ने सभी व्यापार मंडल के पदाधिकारी एवं सदस्यों का सम्मान और प्रेम स्वीकार करते हुए अपने व्यस्तम समय को निकालकर उनके साथ कुछ समय बिताया। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकरण तिवारी ने बताया कि मेरा संयुक्त व्यापार मंडल इस समय 14 राज्यों में अपने व्यापार मंडल के सदस्यों की समस्याओं के निराकरण के लिए अथक प्रयास हेतु कार्य कर रहा है और व्यापारियों के आपसी प्रेम और एकता के द्वारा सफलतापूर्वक व्यापारियों के प्रति कार्य कर रहा है। संयुक्त व्यापार मंडल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। संयुक्त व्यापार मंडल 14 स्टेटों में इस समय चल रहा है और इसको भी देखना है तो वो हमारी वेबसाइट www.svmandalwarji पे देख सकता है। संयुक्त व्यापार मंडल को लेकर जो यहाँ पर मीटिंग हुई, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। उद्देश्य बस मेरे अपने व्यापारी भाइयों को मिलना भी था और व्यापारी भाइयों को आपस में एक एकता यूनिटी हमेशा बनाए रहें, जिससे कि कभी कोई भी असामाजिक तत्व हमारे व्यापारी भाइयों का गलत फ़ायदा ना उठा सके। और आज तो हमारे बस मैं अपने पर्सनल प्रोग्राम से उत्तर प्रदेश आया हुआ था, लेकिन हमारे राष्ट्र उपाध्यक्ष उमाकांत तिवारी जी, हमारे जिला अध्यक्ष दुबे जी और हमारे जो यहाँ के बाजार अध्यक्ष हैं अशोक गुप्ता जी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, निवेदन किया कि अध्यक्ष जी आप हम व्यापारी भाइयों से मिलते हुए फिर आप प्रस्थान करें मुंबई के लिए। तो बस मैं अपने व्यापारी भाई बंधुओं से आज मिलने के लिए आया हूँ और बाकी मुझे जो अपने व्यापारी भाइयों को मैसेज देना था कि आपस में आप एक अपनी एकता या यूनिटी आपस में बनाए रखें, जिससे कि कोई असामाजिक तत्व आपका फ़ायदा ना उठा सके और सब लोग मिलजुल कर आपस में व्यापार मंडल का काम करते हुए आगे बढ़ते रहिए, अपना व्यापार भी संभालते रहिए, चलते रहिए। छुटपुट घटनाओं को लेकर अगर देखा जाए तो व्यापारी लोग अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ जाते हैं, इसको देखते हुए मतलब ऐसा क्या आप लोग सिस्टम बनाते हैं, जैसे कभी कभी होता है अभी हाल ही में दारू में घटनाएं घटी, किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा से झड़प हुई, बस वो लोग धरने पर बैठ गए, उसमें उनका शासन प्रशासन भी सहयोग नहीं देता है। तो इस कंडीशन में आप लोग अपना मंडल बनाए हैं, इसमें क्या ऐसा क्या कोई नई चीज़ या क्या ऐसा कुछ करेंगे इसके बारे में बताइए। नहीं देखिए, ऐसा है कि अगर आज एक सीधी सी बात है, मैंने देखिए अभी कहा कि अभी जैसे मान लीजिए नोटबंदी जीएसटी के बाद व्यापारी वर्ग आज सबसे ज़्यादा परेशान है और आज की डेट में मैं खुद व्यापारी अभी व्यापारी भाइयों के लिए भी कोई नई नीतियाँ उन सब चीज़ों का भी प्रारंभ करें। जहाँ तक देखिए धरने प्रदर्शन की बात है, देखिए ये चीज़ तो मेरा खुद मेरे व्यापारी भाइयों को ही कहना है कि जहाँ कहीं भी आपके साथ कोई भी अपमानित व्यवहार होता है या कोई भी गुंडा माफिया बदमाश आपके साथ कोई अपमानित व्यवहार करता है, वसूली की बात करता है या कहीं आपके साथ शासन प्रशासन अन्याय करता है, तो आप तुरंत धरने प्रदर्शन पे उतरिए और अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी है तो मैं खुद आऊँगा आपके लिए। तो इसमें देखिए कोई बुराई नहीं, अपनी बात को समाज के सामने रखना और सरकार के सामने रखना कोई गलत नहीं है। हाँ, अगर कहीं व्यापारी भाई ऐसा कोई गलत करता है तो वो एक अलग चीज़ है कि कहीं किसी के साथ धरना प्रदर्शन करके अन्याय कर रहा है, गलत कर रहा है, किसी को गलत प्रताड़ित कर रहा है, और वो मुझे नहीं लगता कोई व्यापारी करेगा। कल लोकसभा के परिणाम आने वाले हैं, आने वाली सरकार से आप क्या अपेक्षाएं करते हैं? मैं यही आने वाले सरकार से अपेक्षा करता हूं कि हम व्यापारी भाई लोग जो है आज आर्थिक अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान दे रहे हैं, तो हमारे व्यापारी भाइयों को भी
बिल्कुल निगलेक्ट ना किया जाए। जैसे कि विधान परिषद में अगर शिक्षकों स्नातकों का कोटा मिलता है और विधानसभा में उनका आदमी विधान परिषद के द्वारा MLC चुनकर जाता है, तो मेरे व्यापारी भाई का आर्थिक अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान है। तो मेरा ये कहना है कि मेरे व्यापारी भाइयों को भी विधान परिषद में कोटा मिलना चाहिए और मेरे व्यापारी भाइयों को विधान परिषद के द्वारा MLC चुनकर विधानसभा में जाना चाहिए और व्यापारियों की आवाज़ उठानी चाहिए। इसकी सहूलियत सरकार हमको दे, एक व्यावसायिक आयोग का गठन भी सरकार करे। TV1 इंडिया न्यूज के लिए अशोक कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट, गोंडा। बुंदेलखंड के महोबा जिले में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। आए दिन हत्या, बलात्कार, चोरी जैसी वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। अब तो पत्रकार भी सुरक्षित नहीं रहे, जो दूसरों के सुख दुख में हमेशा साथ देते हैं, लेकिन अब पत्रकार भी बदमाशों के निशाने पर आ गए। जी हां, देर रात अपने घर से जा रहे पत्रकार पर नकाबपोश बदमाशों ने हमला बोलकर न सिर्फ मारपीट की बल्कि कैमरा, मोबाइल और नकदी लूटकर फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक ने दलबल के साथ पहुंचे मामले की तहकीकात में जुट गए। मामला कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र के मुड़ाड़ी गांव का है, जहां देर शाम अपने घर जा रहे एक निजी टीवी चैनल के पत्रकार रमाकांत मिश्रा पर पहले से घात लगाए बैठे 6 नकाबपोश बदमाशों ने पहले लाठी डंडे से प्रहार किया। उसके बाद बैग पे पड़ा कैमरा, ID, 2 मोबाइल सहित 8,000 रुपए की लगभग नकदी लूटकर फरार हो गए। पत्रकार साथी पर हुए हमले की खबर जिले के मीडिया जगत में आग की तरह फैल गई और घटनास्थल पर जा पहुंचे पत्रकार पर हमले की खबर मिलने पर पुलिस अधीक्षक दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर घटना की तहकीकात में जुटकर शीघ्र अपराधियों को पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी। वहीं पत्रकार साथी के साथ हुई वारदात से मीडिया जगत में रोष व्याप्त और घटना की घोर निंदा करते हुए पुलिस अधीक्षक से आरोपियों की गिरफ्तारी की शीघ्र मांग की है। मेरा नाम रमाकांत मिश्रा है। मैं रास्ते से घर आ रहा था। बीती रात हमारे पत्रकार सहयोगी रमाकांत मिश्रा के ऊपर यहाँ पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। उनके साथ लूटपाट की जो घटना हुई, उन्होंने घटना की जानकारी स्थानीय कोतवाली पुलिस को दी थी, उच्चाधिकारियों को भी दी। रात में पुलिस अधीक्षक ने घटना स्थल का मौका मुआयना किया था और प्रेस क्लब अपने साथी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। हालांकि पुलिस ने आश्वासन दिया है कि घटना का अनावरण शीघ्र होगा और जो इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं उसकी हम लोग घोर निंदा कर रहे हैं। पत्रकारों के ऊपर होने वाले हर घटना का हम घोर निंदा करते हैं। इसके साथ ही ये मांग करेंगे कि पत्रकारों के ऊपर कोई इस प्रकार के वारदात ना हो सके और दोषियों को शीघ्र जेल भेजा जाए। यदि जेल नहीं भेजा जाएगा या अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। सर, लूटपाट का मामला सर, क्या पूरा मामला? ये कल शाम को श्री रमाकांत मिश्र जी जो है अपने फार्म हाउस की तरफ जा रहे थे, फार्म हाउस की तरफ से लौट रहे थे, अपने घर की तरफ जा रहे थे, तो कुछ लोगों ने उनको जो है डंडे से मारा और उनका जो है वो कैमरा और ID आदि सामान ले लिया है। उस पर जो है अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र इसका जो है अनावरण होगा और जो है अभियोग पकड़े जाएंगे उनके जो है सामान। TV1 इंडिया न्यूज़ के लिए रमन दीक्षित के साथ भगवती प्रसाद सोनी की रिपोर्ट, महोबा, बुंदेलखंड।